दक्षिण चीन सागर यानी SCS में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। साउथ चाइना सी हाल ही में अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इससे घबराए चीन ने भी अब अपने क्रमिक द्वीपों पर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे वार पलटवार से इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। जापान के रक्षा मंत्री नोबा किशी ने सोमवार को ब्रिटिश विमान वाहक पोत MHS क्वीन एलिजाबेथ का पहली बार जापान के बंदरगाह पर पहुंचने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चीन के अपनी सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों के मद्देनजर हिंद प्रांत क्षेत्र में यूरोपीय देशों की भागीदारी शांति और स्थिरता की कुंजी है। महाराष्ट्र के एक जिले में एक महिला को बचाने के लिए उसके पति द्वारा महिला को कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। बीमार महिला को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन आदिवासी इलाके में अस्पताल के बीच में रास्ता चंदसैली के पहाड़ों से होकर गुजरता है। जैसे ही एम्बुलेंस चंदसैली के पहाड़ी इलाके में पहुंची, एकाएक वहां लैंडस्लाइड हो गया। गुजरात सरकार ने भारी हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा के आधार पर अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य रूप से हर दिन 8 घंटे काम करने के लिए कहा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 43,263 नए मामले पाए गए हैं और 338 लोगों की मौत हुई है। वहीं से समय अवधि में 40,667 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 3,94,614 एक्टिव केस हैं, वहीं 3,23,04,618 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। हालांकि अब तक 4,41,749 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मिर्जापुर में बुधवार को श्रद्धालुओं से भरी नाव के गंगा में पलट जाने से 14 लोग डूब गए, इनमें से अभी भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। न तो उनको खोजा जा सका है, न ही उनका शव बरामद हो पाया है। हादसे में जिन 6 लोगों का पता नहीं लग सका है, वे सभी लोग बक्सर जिले के सिंहपुरा गांव के रहने वाले थे। राजधानी दिल्ली और NCR में आज यानी गुरुवार को झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई है। यही नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि दिल्ली NCR में बारिश का यह दौर 11 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के अलावा 9 से 11 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विभाग ने छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गुजरात के हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में मुंबई इंडियंस के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें लेग स्पिनर राहुल चहर भी हैं। उनके लिए विश्व कप खेलना किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि 3 साल पहले वे न्यूजीलैंड में हुए U19 विश्व कप खेलने की दहलीज पर पहुंच कर चूक गए थे। सोने की कीमतों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अक्टूबर वायदा 130 रुपए यानी कि 0.28% गिरावट के साथ 46,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी 257 रुपए यानी 0.40% की गिरावट के साथ 63,926 रुपए पर है। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।